नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है तेजिंदर सिंह जी, जो पूरे ऑल यूपी के डिस्ट्रीब्यूटर है परम के। तो आज ये हमारे यहाँ पे आए जी, जिला सहारनपुर में। इनके कुछ मीत हैं जो दूर करने हैं जी, और परम का अपना रोटावेटर भी साथ ही लेगा है 9 फीट, और राहुल रंधावा भाई भी हमारे साथ। नमस्कार सर जी। नमस्कार। नमस्कार सभी किसान भाइयों को। सबसे पहले सभी जो हमारे किसान भाई है, दर्शक जो देख रहे हैं चैनल को, भाई सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं किसान भाइयों आज इसलिए यहाँ पे आया कि हमने बहुत दिन से हम रोटावेटर बेच रहे हैं, बहुत किसानों को हमने रोटावेटर दिए हैं जी, पर हमने आज तक 50 HP ट्रैक्टर के लिए मैक्सिमम 8 फीट का रोटावेटर हमने आज तक किसान भाई को दिया है जी। जैसे भाई का ट्रैक्टर है, राहुल भाई जी का ट्रैक्टर, ये 855 जी। अब बहुत लोगों के हमारे पास फ़ोन भी आ रहे थे और कमेंट भी हमने देखी है कि भाई 855 ट्रैक्टर पे 9 फुट का रोटावेटर हमने चलता हुआ देखा है जी। जी बिल्कुल। तो उसी को देखने के लिए मैं भाई सहारनपुर पहुंचा हूं कि भाई इस चीज़ को हम भी अपने पहले क्लियर कर लें, क्योंकि किसान भाई मांग भी रहे हैं कि 9 फिट का रोटावेटर हमें चाहिए। 855 है भाई, 50 HP कैटेगरी में 8 फिट रोटावेटर, चलो ठीक है, हमने 7 भी दिए हैं, 8 भी दिए हैं, पर 9 फिट का रोटावेटर हम पहली बार देखने आ जाए हैं। शायद यूट्यूब पे भी 50 HP ट्रैक्टर पे 9 फिट का रोटावेटर कोई वीडियो ना हो। बिल्कुल जी जी। कुछ लोगों के ये भी सवाल रहते हैं वीडियो के अंदर, आपने भी कमेंट वगैरह में पढ़े होंगे, आप भी देखते होंगे। मुझे लगता था कि आपने कुछ मॉडिफिकेशन किया है। मॉडिफिकेशन कमेंट देखो आप। मॉडिफिकेशन भाई नोट करो भाई, पहले ये बात। इस ट्रैक्टर के आप जो वीडियो है उसमें नीचे कमेंट देखोगे, उसमें मुझे लगता है 50% तो यही है कि इसमें ट्रैक्टर में मॉडिफिकेशन। कोई बोलता है टर्बो है, टर्बो है, ठीक है ना, कोई कुछ भी बोलता है। सबसे पहले तो ये चीज क्लियर करवा दूं, जैसा तेजिंदर जी हमारे पास आए, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, ठीक है ना जी। अब ये खड़ा तो ट्रैक्टर जी जी जी, ये है खेत जी, ये आपके मतलब ये 9 फीट परम का रोटावेटर है जी जी। अब ये बताओ, सबसे पहले जो हमारे दर्शक वीडियो देख रहे हैं, 9 फीट पे मतलब जूते हुए में ज्यादा लोड पड़ेगा रोटावेटर, चाहे 9 का हो चाहे 7 का हो, जूते हुए में ज्यादा लोड पड़ेगा या बिना जूते हुए में? देखो, बहुत किसान भाई कहते हैं वीडियो देख करके कि आप जूते हुए खेत में क्यों चलाते हो जी। किसान भाइयों एक चीज नोट कर लीजिए, जितनी बार खेत जूता चला जाएगा ट्रैक्टर पे उतना ही लोड बढ़ता चला जाएगा जी जी, बिल्कुल। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। जब आप पहली जुताई करते हैं किसान भैया, तो उसमें मात्र 3 से 4 या मैक्सिमम 5 इंच जुताई होती है रोटावेटर। बिल्कुल, गहराई नहीं लेता, गहराई नहीं लेगा, और जब गहराई नहीं लेगा रोटावेटर तो लोड कहां से आएगा? बिल्कुल बिल्कुल। आप उसी पोजीशन में, उसी लीवर पे, उसकी खेत में आप दूसरी जुताई करिए और तब बताना मुझे किसान भाइयों कि लोड पहली बार में ज्यादा आता है या दूसरी बार में ज्यादा आता है। जी जी बिल्कुल। किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहूंगा, ये रोटावेटर हमने 9 फीट का जो रोटावेटर दिया था 56-20 न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर के लिए दिया था। बिल्कुल जी, 65 HP का, 65 HP ट्रैक्टर के लिए, ठीक है। उसके लिए हमने सर से पूछा कि भाई हमें परम का रोटावेटर लेना, तो इन्होंने हमें रिकमेंड किया, बोला आप 9 फीट का ले लो। हमने 10 फीट का लेने जा रहे थे भाई, रस्ते वगैरह की भी कुछ समस्या होती है, तो आपने कहा कि बोला 9 फुट का ले लो, तो 9 फिट का ले लो। अब हमने भाई देखो वीडियो तो बनाते ही हैं, अब हमने फिर इस ट्रैक्टर के ऊपर जोड़ के देखा। हाँ हाँ, जोड़ के देखा, जब कभी मना ही नहीं किया तो फिर हम इसी के ऊपर चलाने लगे। देखो किस हाल भाई, हमने 9 फिट का तो इसलिए आपको बताया था जी, हमें नहीं पता था कि 9 फिट भी चल जाएगा, ये 10 फिट चल जाएगा, हमने दिया ही नहीं था जी किसान को जी। तो हमने तो इसलिए रिकमेंड किया था कि 50 पे 8 चल रहा है तो 65 पे 9 फिट तो चल जाएगा। देखो जी, ऐसा है जी, बोलने वाले का कोई मुंह नहीं पकड़ सकता, अगर मार भी रहा कोई हाथ भी पकड़ सकता है। बिल्कुल, बोलने वाला का नहीं पकड़ सकता, कोई नहीं पकड़ सकता उसका हाथ। अब ये देखो, ये तो खड़ा ट्रैक्टर जी, कोई आदमी भी कोई साबित कर दे या कोई बोल दे आके भाई इसमें क्या मॉडिफिकेशन कर सकता है भाई, मैं तो मुझे तो दोस्तों भाई क्या कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा इसका तेल बढ़ा सकता है, डीजल, सही बात, और भी कुछ कर सकता है क्या इसमें? उससे ठीक है, उसके बाद अगर मॉडिफिकेशन कोई होगी ना, टर्बो लगेगी या कुछ भी होगा तो वो दिखेगा, सही बात है। दिखा दो एक बार, लो दोस्तों चेक करो, ठीक है, कोई टर्बो है क्या? कुछ नहीं है भाई, इंजन जैसा कंपनी, किसान भाइयों कुछ नहीं, ये कंपनी फिटेड इंजन है और कंपनी फिटेड, कोई टर्बो नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। और जो भी है आपके सामने है, ठीक है ना जी। तो मेरा आने का जो किसान भाई मकसद था कि भाई अपना भी शक दूर कर लेंगे जी, और किसानों के लिए नहीं, क्या पता कोई भविष्य में आपसे भी मांग ले भाई, मांग रहे थे हाँ। तभी मुझे आना पड़ा जी, मुझे एक बार मैं अपनी आंखों से जब तक नहीं देख लेता कोई चीज, मैं किसान भाइयों को रिकमेंड नहीं करता। बिल्कुल जी, वो रोटावेटर हो, कल्टीवेटर हो, हल कुछ भी क्यों ना हो, बिल्कुल बिल्कुल, जब तक हम किसी ट्रैक्टर पे किसी चीज का ट्रायल नहीं कर लेते हम किसान भाइयों को नहीं देखते। एक चीज मैं और क्लियर करना चाहूंगा वीडियो के अंदर, सबसे पहले तो ब्लेड दिखाना चाहूंगा रोटावेटर के, और उसके बाद मतलब आप ये देखना जो इसके एडजस्टर होते हैं साइड में, जो होती है जो डेप्थ स्किड होती है वो देखना आप बिल्कुल ऊपर किए हुए हैं। मैं एक बार उठा दे, एक बार
देख लेना। ब्लेड तो बिल्कुल नए पड़े इसके, देखिए दोस्तों सभी ब्लेड अभी आप लगा लीजिए 10% भी ब्लेड घिसा नहीं है। दूसरी बात, लोग कहते हैं कि चलो इसके जो स्किड है वो किसान भाइयों नीचे की हुई है या ऊपर की हुई, ये फुल ऊपर उठाई हुई है, बिल्कुल लास्ट में है। लास्ट में है जी। कहने का मतलब किसान भाइयों ये है, इस रोटावेटर की जो डेप्थ, जो गहराई की जो क्षमता है वो हमने पूरी की, मैक्सिमम है, पूरी मैक्सिमम, ताकि किसान भाई हमें पूरा लोड देकर देख सके 50 HP ट्रैक्टर पे। जी जी बिल्कुल सही बात, ब्लेड नए, गहराई पूरी की हुई है जी, 9 फीट का रोटावेटर और 50 HP कैटेगरी के ट्रैक्टर पे आज आपको चला के दिखाएंगे जी। हमें भी आज पता चल जाएगा कि परम में कितना दम है। नहीं, हमने देखो जी क्वालिटी तो है जी जी, ये तो मानना पड़ेगा। अब हमने इसमें टायर बड़े डाल दिए, इसके जो है ना RPM आपने देखा हो ट्रैक्टर के स्वराज 855 के चलने के, जो इसके स्पीड है इसकी वो बहुत कम आती है। हाँ, लो के पहले में तो बहुत ही कम है, बहुत कम है, लो के पहले में भी और लो के दूसरे में भी बहुत कम है, और जो लो का तीसरा लगा देते हैं ना एकदम से बहुत तेज हो जाती है। हाँ, भागता है। तो हमने इसमें बड़े टायर डाल दिए, ऐसा है देखो इनके अंदर चलो वो तो कुछ भर भी लिया हमने, हम क्योंकि ये टोचन वगैरह करते रहते हैं, पर बाकी अगर इनके अंदर कुछ ना हो तो बहुत अच्छा चलता है रोटावेटर में। देखिए थोड़ी स्पीड ज्यादा हो जाती है, ठीक है, लोग बाग वैसे बोलते हैं, वैसे कंपनी रिकमेंड नहीं करती, हम भी किसी भाई को बोलते नहीं, हमने ये एक हमारा शौक है, शौक के तौर हम डाले, कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल। पर इससे एक चीज तो है भाई, अब ट्रैक्टर 50 HP है, इंजन तो वही है बिल्कुल जी, जब टायर बड़े हो गए तो ट्रैक्टर की जो चाल है वो बढ़ गई जी, चाल बढ़ गई, चाल बढ़ गई बिल्कुल, पीछे रोटावेटर उतना ही है जी, तो इससे भी लोड फालतू आएगा बिल्कुल, थोड़ा ज्यादा आएगा, ज्यादा आएगा बिल्कुल। ये 18 के टायर है किसान भाइयों, अगर 14 के टायर 16855 में हो तो ये और भी अच्छा खींच लाएगा बिल्कुल, सही बात है, उसकी जो चाल है वो कम हो गई बिल्कुल, लोड ज्यादा खींचेगा, लोड ज्यादा खींचेगा बिल्कुल। और भाई सबसे बड़ी बात ये है, देखो मैं बताता हूँ, कोई भी मशीन हो रख रखाव सबसे जरूरी होता है बिल्कुल जी बिल्कुल, ठीक है, रोटावेटर का लगा लो, चाहे आप ट्रैक्टर का लगा लो, चाहे आप बाइक का लगा लो, इंसान ही लगा लो बिल्कुल जी, रख रखाव एक बहुत जरूरी, अगर हम किसान भाइयों अपना ध्यान रखेंगे, टाइम पे खाना खाएंगे, टाइम पे दूध पिएंगे बिल्कुल, तो हमारी बॉडी भी हमें उतना ही लंबे टाइम तक साथ देगी बिल्कुल, सही बात है जी बिल्कुल। होते हैं मतलब जैसा इसके अंदर मोबिलाइज डलता है, अभी वो देखते हैं कि बोला इतने ड्राम फूंक दिए, बोला 8 ड्रामों पे सर्विस करवानी या 6 ड्रामों पे, घंटों के हिसाब से सर्विस नहीं करवाते कुछ किसान, घंटों के हिसाब से सर्विस होनी चाहिए। हाँ, हम क्या है ना, हम बिल्कुल टाइम टू टाइम सर्विस करवाते हैं, हमारा स्वराज 855 जो बच्चे के नाम से है ये, और टाइम टू टाइम सर्विस हुई है। देखिए राहुल भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा, किसान भाइयों को मैं बताना चाहूंगा, कंपनियां जो आपको डाटा दे रही हैं, जो आपको रिकमेंड कर रही हैं, वो आपकी मशीन की लाइफ बढ़ाने के लिए कहती हैं बिल्कुल जी, आपसे बड़े इंजीनियर कंपनियों में बैठे हैं जी, वो जी, पागल नहीं है बिल्कुल बिल्कुल, वो अच्छी अच्छी सैलरी। अभी एक बात तो बताओ, हाँ। आपकी भी मैं एक बहुत अच्छी बात कहूंगा, मतलब आप हमारे पास आए इस चीज की जानकारी लेने, नहीं तो अगर किसान मांग रहा था तो दे देते, सही बात, 9 फीट दे देते, दे तो मैं दूंगा, अगर नहीं चलेगा तो फिर परेशान तो मैं ही होऊंगा बिल्कुल, किसान परेशान होगा, किसान परेशान तो उससे ज्यादा फिर परेशान मैं बिल्कुल बिल्कुल। चलो राहुल भाई एक बार परफॉर्मेंस चेक कराओ इसकी, कैसा चलेगा इस पे, कैसा नहीं बिल्कुल जी, परफॉर्मेंस चेक कराता हूँ, ये देखो एक बार आप RPM वगैरह पे दिखा दो, तो दोनों लीवर नीचे रख के दिखाओ, दोनों लीवर छोड़ दीजिए और पहले के लो में और लो के दूसरे में किसान भाई चला के दिखाइए, बोल देते हैं वीडियो में क्या बोला, ये तो पीछे लगाया है, ग्राउंड वीडियो में चलाया है, ये देखो भाई ये ड्यूल क्लच ट्रैक्टर है, पूरा क्लच दबा लिया और ये लग गया भाई गियर, अगली साइड ये लगा लिया पहला गियर, ये लग गया लो, मैं 855 ट्रैक्टर है भाई, बच्चा 855 क्या चीज़।
सब भाइयों को पता होगा, रूटावेटर चेक कर लो 9 फीट का है। कोई भाई बोलता है 8 है या कोई और साइज है छोटा है। ये देखो कितनी मिट्टी लेकर चल रहा भाई रूटावेटर, खट्टे खोदते हैं बिल्कुल। हाँ 1400 RPM लो का दूसरा, स्वराज 855, 9 फीट रोटावेटर, 50 HP ट्रैक्टर। लीवर फुल डाउन है लीवर। ये देखिए, ये देखिए, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत शानदार, गजब परफॉर्मेंस। देखे रोटावेटर भाई, जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो कह रहे एक बार मैं चला के देखूंगा। लीवर डाउन, आवाज देखो भाई ट्रैक्टर की, पहले आवाज चेक करो। लगा दिया दोस्तों, दूसरे गियर में जो है ना इस ट्रैक्टर के थोड़े से आरपीएम ड्रॉप हो जा, थोड़े से, इतने ज्यादा नहीं होते, वैसे ज्यादा भी हो जा पर वो कहीं कहीं, वो एक पोजीशन हो जिस पोजीशन में आ जा भाई, लिमिट हो एक भाई हर चीज की। बहुत मिट्टी ले रहा भाई रोटावेटर आके, और भाई कंडीशन देखो कहां तक चली जा, पर लीवर का हाथ नहीं लगाना। ओ भाई दूसरे की लो है भाई, मतलब इस ट्रैक्टर के साउंड है ना भाई, एक समझ में आ गया क्या कह रहा। Yeah, we'll put a rotavator.
छोड़ियो, क्लिच छोड़ियो। हाँ बस ठीक है, कर दो बंद। मुझे दिखा आपका घना स्वाद आ रहा चलाने में। 22 पे उतने जू नहीं कर रहा नहीं बननी ठाना कुछ नहीं करना ट्रैक्टर। मतलब एक चीज बताओ है ना अपने साउंड जब इसके मतलब जब इस पर लोड पड़े भाई, ये क्या कहना चाह रहा? देखिए बात सुनिए, इतने बड़े टायर जी तकरीबन क्विंटल ट्रैक्टर में वजन जी ठीक है वजन तो नहीं बताते होता क्या है होता क्या है भाई, जब ट्रैक्टर मुड़ता है ना मोड़ पे जी तब ये आवाज बदल रहा है बस जी, नहीं तो इसको पता ही नहीं चल रहा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 9 फीट का रोटावेटर भाई, इतनी मट्टी लेके किसी कंपनी का रोटावेटर चल जाए तो 23 रोटावेटर फ्री दे देगा परम। बिल्कुल बिल्कुल। 13-23 गियर बॉक्स है किसान भाइयों जी, ये गियर बॉक्स 13-23 का है, इसमें 15-20 का गियर डाला हुआ है जी। बिल्कुल बिल्कुल। तब ऐसे चला के दिखाओ ये, और ये ट्रैक्टर कितना मॉडल है भाइयों? 2014 मॉडल जी। इसको 10 साल पुराना ट्रैक्टर है, 2024 चल रहा है। बिल्कुल जी। आप मैं कहता हूँ 2024 पे भी चला के दिखा दो, 2014 को छोड़ दो। बिल्कुल। कोई 2024 ट्रैक्टर ले आए। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं रोटावेटर 50 HP कैटेगरी पे मैं छाती ठोक के कहता हूँ सिर्फ परम में दम है, जो कर सकते हैं वरना कर नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं ऐसा तो नहीं, मतलब ये तो आपने भी क्लियर चेक कर लिया होगा कि कोई मॉडिफिकेशन है या नहीं है। फुल संतुष्टि है। कोई किसान बाइक चाहता है कि 9 फीट का रोटर लेना 50 HP पे, मेरे पास आओ मैं चला के दूंगा किसान भाइयों को। बिल्कुल बिल्कुल। देखो भाई अपना काम तो आदमी कैसे भी कर सकता है, और ये बताओ इस कंडीशन में किसी को चलाना है क्या? देखिए जहाँ हम चला रहे हैं यहाँ तो हो सकता है किसान अपने खेत में भी ना चलाए। बिल्कुल नहीं चलाएगा। हम तो पूरा निचोड़ लेके तब किसानों तक बातें पहुंचाएंगे, अपनी सलाह देंगे। बिल्कुल ठीक है। और भाई कुछ भाई ये कहेंगे, बोला ये तवा ऊपर क्यों उठा रखा? दोस्तों मैं बता दूं, मैंने वीडियो में बताया इसका जो है ना भाई कोई बैरिंग वैरिंग फूट रहा है, घूम नहीं रहा, तो इसलिए भाई उठा दिया था क्योंकि ये घिसटता ही चल रहा, कभी भाई टूट वूट ना जा। ठीक है ऐसा कुछ नहीं है, बाकी खेत बहुत जुता हुआ है और इसकी तो जो खेत में तो तवे की महत्वता खत्म हो जाती है। बिल्कुल। तवे का काम क्या होता है सर? काम होता है पहली बाह में। बिल्कुल। जब पहली बाह में लगानी हो तो ताकि जो साइड के जो डेप्थ स्किड है उनको बैठने के लिए जगह मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है इसमें तो बैठने की जरूरत ही नहीं है, इसमें तो भाई जबरदस्त निकल नहीं जाएगा इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी एक बात बता दो जी, जब आप आ ही रहे हो जी, अगर कोई किसान भाई किसी भी चीज की जानकारी लेना चाहता है तो आप एक बार अपना फोन नंबर और बता दो। देखो राहुल भाई मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी किसान भाई कोई भी किसी भी यंत्र के बारे में जानकारी लेना चाहता है जी, तो मेरे 2 कॉन्टेक्ट नंबर हैं जी, 999-7288-206 यानी के 99-97-28-82-06 जी। दूसरा मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 98-97-95-49-50 जी। अच्छा ये बात बताओ जी, जैसा चलो आप रोटावेटर बेच ही रहे हो जी, आप सिर्फ रोटावेटर बेचते हो या बदले में भी ले लेते हो? बिल्कुल सही क्वेश्चन आपने पूछा जी। किसान भाइयों के लिए हमारे यहाँ सारी सुविधा उपलब्ध है जी। किसान को अपने रोटावेटर सर्विस करानी है, किसान को पुराना रोटावेटर लेके आना है, नया लेके जाना है जी, हमारे यहाँ भैया किसान को पुराना रोटावेटर लेना है जी, तो किसान भाइयों हम सभी जितने भी कंपनी के रजिस्टर्ड कंपनी का रोटावेटर है जी, सभी को हम लेते भी हैं जी, उनको किसान भाई नया रोटावेटर देते भी हैं जी। ठीक है, और किसी भी कंपनी का स्पेयर पार्ट हमारे पास अवेलेबल मिल जाएगा। बिल्कुल सभी किसान भाइयों के लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल। और दोस्तों भाई एक बात बता दूं, अगर आपके मन में सवाल हो कि भाई मेरा 855 नहीं खींचेगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अगर आपके पास स्वराज है, सेम ही परफॉर्मेंस आपके ट्रैक्टर की होगी, सेम ही हमारे की है, कैटेगरी तो सेम ही है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा कंपनी ने स्पेशल तो बना नहीं दिया है। बिल्कुल स्पेशल कुछ नहीं है। हाँ। ठीक है, बाकी हम इसको देसी घी पिला देते हैं, वो स्पेशल है। देखो देसी घी तो कहीं नहीं मिल सकता जो आपके पास है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा दूसरी बात बताऊं, अगर आपके ट्रैक्टर में टायर 14 के हैं या 16 के हैं तो भाई मतलब जो अभी परफॉर्मेंस घटेगी नहीं। हाँ, जो अभी चलाया ना इससे शायद 21 ही हो जाएगी परफॉर्मेंस, बिल्कुल नहीं घटेगी, गारंटी है मेरी। बिल्कुल। हाँ। तो खरीदना कहाँ से है जी? देखिए किसान भाई हमारी जो फर्म है वो उत्तर प्रदेश में जिला अमरोहा कस्बा जोया, हमारी जो फर्म का नाम है अनन्या एग्रीकल्चरल स्टोर। पिछले कई सालों से जी हम कृषि यंत्रों का काम किसानों के लिए सेवा में हम लगे हुए हैं। बिल्कुल। कोई भी किसान भाई को कोई भी यंत्र लेना है, कुछ जानकारी लेनी है जी, आरपीएम के बारे में जानकारी लेनी है, रोटावेटर के बारे में जानकारी लेनी है, कल्टीवेटर के बारे में जानकारी लेनी जी, है जी, या कुछ भी जानकारी यंत्रों से रिलेटेड आपको लेनी है, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल भाई सीधे आप पूछ सकते हो। अभी अगली ही बहुत जल्द किसान भाइयों को हम 2-3 प्रोडक्ट नए दिखाएंगे जी, जो हमारी कंपनी लॉन्च किए हैं जी, और बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ जी जी जी। सब चीजें पहले से मुकाबले चेंज कर दी गई हैं जी, किसान भाइयों की मांग के अनुसार और टाइम के अनुसार देखते हुए। बिल्कुल। पहले क्या होता था, किसान भाई रबड़ की सील आती थी। बिल्कुल जी। अब मैकेनिकल सील आएगी जी, तो उससे क्या होगा, रोटावेटर के लीकेज की जो समस्या है जी, वो 1 साल में या 6 महीने में 1.5 साल में जैसे भी आती है। बिल्कुल। वो ये मानिए आप 0.1% रह जाएगी।
जी देखो दोस्तों, कुछ रख रखाव जो है ना भाई अपने भी होते हैं, ऐसी बात नहीं कि भाई सभी जिम्मेदारी कंपनी के ऊपर पहुंच दी जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। इस रोटावेटर को भाई लगभग एक साल हो गया, एक सवा साल हो गया जी, एक साल से ऊपर हो गया। हाँ। ये पिछले साल अक्टूबर में आया था जी, 2022 बिल्कुल अक्टूबर में आया था। हाँ तो भाई ये देख लो रोटावेटर की कंडीशन कैसी है, कुछ जिम्मेदारी अपनी भी होती है रख रखाव की। रख रखाव किसान भाई करेंगे, क्या वो खुद का करें जी, फसल का करें बिल्कुल, या यंत्र का करें बिल्कुल, वो उसको उसकी लाइफ बढ़ा के ही देगा बिल्कुल भाई। अगर वो 1% उसका ध्यान रखता हो, 10% उसको उसका फायदा। मैंने देखे हैं जी 23-23 मॉडल, मतलब जो 6-6 महीने के ट्रैक्टर है वो मतलब ऐसे कबाड़ बना दिए कुछ लोगों ने, ठीक है। और कुछ के पास ये देख लो, जैसे मतलब हमारे पास भी है, कहीं और लोगों के पास हमसे भी अच्छे हो सकते हैं बिल्कुल, या नहीं जी किसान भाई। कहानी है, जैसे हमने पानी में चलाया रोटावेटर को जी, हमने घर ले जाकर ऐसे खड़ा कर दिया, अगर हम उसमें थोड़ा सा पानी मार के उसको पानी डाल के खड़ा करें तो खराब नहीं होगा बिल्कुल। पानी लगा के, डीजल लगा के कुछ भी खड़ा कर दे, ठीक है, साफ हो जाए, मिट्टी ना रुकी रहे बिल्कुल जी बिल्कुल, ठीक है। यही था तो दोस्तों भाई, यही था। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा एक बार और जी, ठीक है। नहीं नहीं आप भी भाई, हमारा मन था कि भाई हम 9 फुट का रोटावेटर देखने चलता हुआ बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। और किसान भाइयों को अब हम दवा के देंगे भाई, किसान भाई जिसको 9 फुट का रोटावेटर 50 HP लेना वो आ सकता है बिल्कुल। इस जैसे मतलब ये पहले ट्रैक्टर आते थे जी, जो मतलब 55-55 HP के होते थे, जैसे स्पेशल एडिशन हो गया, जॉन डियर का वो 53-10 की जगह 52-10 आ गया, इनके ऊपर तो और अच्छा चलेगा। देखिए सर, उनकी पीटीओ पावर में फर्क है जी बिल्कुल, हर कंपनी की पीटीओ पावर अलग है जी जी जी, उनकी कैपेसिटी, इंजन पावर और नया बिल्कुल, आप देखो ना अब नए आ गए हैं बिल्कुल बिल्कुल, तो फर्क तो हो गया जी बिल्कुल, ठीक है। तो दोस्तों भाई यही था, वीडियो अगर पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान जय किसान।